सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ा एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दिए गए। वहीं मामले में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिसने हत्या की साजिश के शक को और गहरा कर दिया है। क्या हुआ था 3 अगस्त की रात को? पुलिस की तफ्तीश अब कई और चेहरों की ओर बढ़ रही है। इस कड़ी में आज तक को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें सोनाली को जबरन ड्रग्स देने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनाली फोगाट की मौत पर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा आज तक के हाथ लगा है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें सोनाली फोगाट को जबरन आरोप है कि ड्रग्स दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पार्टी चल रही है, लोग झूम रहे हैं, उसी पार्टी में सोनाली फोगाट भी मौजूद है। एक बोतल से आरोपी सुधीर लगातार सोनाली फोगाट को कुछ न कुछ पिला रहा है। गोवा पुलिस का दावा है कि इस बोतल में एमडीए में ड्रग मिलाया गया था और उसी बोतल में जिसमें ड्रग था वो लगातार बोतल से ड्रग सोनाली को आरोपी सुधीर पिला रहा था। ये तस्वीर 3 अगस्त की है जहां सोनाली के साथ उसके पिए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त मौजूद थे। इस पार्टी के बाद सुबह सोनाली की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं दोनों आरोपी जबरन ड्रग्स दिए जाने की बात कबूल कर चुके हैं। वहां की प्रीमिसेस का सीसीटीवी था, उसको फ्रेम बाय फ्रेम जब हमने स्कैन किया तो उसमें एक तो जगह पर ये आता है कि जहां पर वो हाथ से मना कर रही हैं और लेने के लिए जो लिक्विड था, और ये उनके ऐसा महसूस होता है कि ज़बरदस्ती उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विच विल बी कोरोबोरेटेड बाय एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस। और उससे हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फोर्स वाज आल्सो देयर इन एडमिनिस्ट्रिंग दैट फ्लूइड। इस कड़ी में दो और गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक क्लब के मालिक और एक ड्रग्स पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जहां ड्रग्स भी बरामद हुई है। अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सोनाली की मौत क्या ड्रग्स के ओवरडोज से हुई या फिर वजह कुछ और है, इस बात का सच तो बिस्रा रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के मामले में सोनाली के परिवार वालों की शिकायत के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज की थी और तफ्तीश के बाद इस मामले में एक के बाद एक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार को एक बार फिर आशंका है कि आरोपी नशे का हवाला देकर पुलिस को गुमराह न करे। डाउट ये है भाई, ये जो केस ड्रग्स का बनाया गया है ना, ये कभी इसको पलट ना कर दें, पलट करके यानी के वो भाई कह सकते हैं भी इसने भी यानी के वो ड्रग्स ली हुई थी और इसने इसको दी है और वो कह दें भी मेरे को क्या पता, मैं भी नशे में था, ये भी नशे में थी, क्या हुआ मेरे को तो पता नहीं था, पता होता तो मैं हॉस्पिटल में ले जाता, फिर उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया उसको। परिवार का साफ कहना है कि सोनाली को टॉर्चर किया गया। सीसीटीवी फुटेज में भी सोनाली को बेसुध हालत में टॉयलेट ले जाने की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं टॉयलेट में करीब 2 घंटे तक सोनाली को रखा गया। ऐसे में परिवार का कहना है कि टॉयलेट में सोनाली के साथ टॉर्चर हुआ और यही टॉर्चर उसकी हत्या की वजह बनी। मैं बंद करने के बाद उसको निकाला है, उन्होंने देखा है भाई ये तो नहीं मरी है और नहीं मरने का कारण यही था, उन्होंने फिर टॉर्चर किया है उसको, उसके बॉडी के ऊपर निशान है टॉर्चर करने के और उसको यानी कि यातनाएं दी गई है। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी सोनाली का पीए सांगवान है। सांगवान के साथ सोनाली गोवा गई थी। परिवार सांगवान को मामले का मास्टरमाइंड बता रहा है। वहीं मौत के बाद से ही सांगवान की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। मेरी 23 तारीख को बात हुई थी, सुबह वो किसी का फोन नहीं उठा रहे थे तो दिन में फिर उन्होंने फोन उठाया तो उससे बात हुई, भाई ये कैसे क्या हो गया जो सुन रहे हम, तो वो बोला कि उनका हार्ट फेल हो गया है। मैं अच्छा, मैं ऐसे कैसे हुआ, बोले वो तो पता नहीं मुझे खुद को भी, और हम 2-3 बजे तक तो जाग ही रहे थे, होटल में थे,
और हम अच्छे से बातें वगैरह कर रहे थे, खाना वाना खा के हम सोए हैं। और सुबह 7:30 बजे मैं उठा हूँ, उठने के बाद मैं 5 मिनट के लिए होटल के रूम से बाहर गया हूँ और फिर वापिस अंदर आया तो मुझे फिर ये ऐसे ही अवस्था में मिली। बहरहाल गोवा पुलिस फुल एक्शन में, लगातार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। अरविंद ओझा, गोवा आज तक।